हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, यू वाचिंग एटीवी। आज की इस वीडियो में हम हॉसू मैग्नेट के बारे में सब कुछ अच्छे से जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बाकी के मैग्नेट के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक को क्लिक कर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हॉसू मैग्नेट के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। इसे हम हॉसू मैग्नेट कहते हैं। ये एक बार मैग्नेट ही होता है जिसे हम बेंड करके यू शेप में बना लेते हैं। इसे यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं और हिंदी में इसे घोड़े के नाल चुंबक भी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा ये यू शेप में है। जिस तरह की उसके दोनों एंड में बार मैग्नेट के दोनों एंड में उसके पोल्स होते हैं, वैसे ही इसके दोनों एंड में भी इसके पोल होते हैं। एक पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा पोल साउथ पोल होता है, जैसा कि उसमें होता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास बात है कि इसके दोनों पोल एक ही साइड में होते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक खास फायदा है कि हॉसू मैग्नेट में ये खासियत होती है कि इसके दोनों पोल एक ही दिशा में होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, जिससे इसमें क्या फ़ायदा होता है, मैग्नेट फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब एक ही साइड जब दोनों पोल हैं तो सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही साइड रहेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी इस साइड स्ट्रांग हो जाता है। और ये सेंटर है, चूँकि ये यदि बार मैग्नेट होता तो ये सेंटर होता, तो इसे बेंड कर दिया तो ये इसका सेंटर हुआ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वीक हो जाता है और इधर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये हॉर्सू मैग्नेट का खासियत है। साथ में हम बात करते हैं, इसमें तो डॉट दिया हुआ है तो हमें पता चल गया कि ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। वैसे हम पता कैसे करेंगे कि एक हॉर्सू मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर होता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बार मैग्नेट का हेल्प ले सकते हैं। हमें पता हो कि उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है तो हम जानते हैं, जैसा कि सेम पोल रिपल करता है, तो ये नॉर्थ पोल है तो इसे रिपल करना चाहिए। हाँ, ये रिपल कर रहा है और अपोजिट पोल में अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अपोजिट पोल में अट्रैक्ट हो जा रहा है। ये साउथ पोल, ये अपोजिट पोल है, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। और ये सेम पोल है, रिपल करना चाहिए। बिल्कुल रिपल कर रहा है। इससे पता चल गया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये तो बार मैग्नेट से हमने पता किया। एक और तरीका है, यदि इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए एयर में, तो उससे भी हमें पता चल जाता है किसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर है। उसके लिए हमें एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम हॉर्सू मैग्नेट में इस तरीके से बांध देते हैं और किसी फ्री एरिया में जहाँ पर कोई सा भी लोकल अट्रैक्शन ना हो वहाँ पर इसे हम हैंग कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं। तो इससे हमें क्या दिखेगा कि ये किसी खास जगह जाकर के रुक जाएगा। उसके लिए हम पता करेंगे इस मैग्नेटिक कंपास से कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और साउथ डायरेक्शन कहाँ है। ठीक उसी तरह यह मैग्नेट भी रुक जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये रुक गया है। जहाँ पर वो वाइट डॉट है जो कि उसका नॉर्थ पोल है, वो ठीक उसी ओर डायरेक्ट कर रहा है जहाँ मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ डायरेक्शन डायरेक्ट कर रहा है, और साउथ जिधर है ठीक वहाँ इसका भी साउथ पोल है। इसे हम घुमा दें, नॉर्थ पोल इधर रख दें और साउथ पोल इधर रख दें, तो ये घूम जाएगा और फिर से अपने जगह आकर के ये रुक जाएगा जहाँ पर इसे रुकना है, क्योंकि एक्चुअल में इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट कर रहा होगा। यदि इसे यहाँ रोकूं जो कि इसका राइट डायरेक्शन है तो ये नहीं घूमेगा, ठीक वैसा ही ये रुक जाएगा। इससे पता चल गया कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ है और इसका साउथ पोल कहाँ है। मैग्नेटिक कंपास से भी आप देख सकते हैं इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल वहीं डिनोट कर रहा है जहाँ पर इसमें मैंने दिखाया है, बिल्कुल वैसा ही ये रुक जा रहा है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सपोर्ट देना होगा इसे रोकने के लिए। मैंने आइसोलेटेड इसे सस्पेंड किया है तो ये बिल्कुल सही तरीके से बता रहा है। और एक हॉर्सू मैग्नेट को हमेशा आयरन पीस से इसके आगे अटैक करके रखते हैं ताकि इसका पावर ख़राब ना हो। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट को कभी मैग्नेट के साथ चिपका कर नहीं रखते हैं। इस वीडियो में हमने बताया कि हॉर्सू मैग्नेट कैसे बनता है, उसके पोल किधर होते हैं और उसके पोल कैसे पता करते हैं। ये एक बार मैग्नेट होता है जिसे हम बेंड करते हैं तो ये हॉर्सू मैग्नेट का शेप ले लेता है। हॉर्सू घोड़े का नाल,
घोड़े का नाल कुछ इस डिजाइन का होता है, इसीलिए इसका नाम हॉर्सू पड़ा। इसे हिंदी में घोड़े का नाल चुंबक कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो काफ़ी पसंद भी आया होगा। और ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।